नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और आपके आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं पूना से निकला था, आप लोगों को बताया था, और अभी सेंधवा के पास पहुँचा हूँ। महाराष्ट्र आरटीओ बैरियर पार करने के बाद एमपी महाराष्ट्र दोनों आरटीओ बैरियर के बीच में एक घाट पड़ता है, प्लासनेर घाट। इस घाट को आज मैं आपको दिखाऊंगा, देखना बहुत ही मजा आएगा और कुछ जानकारी भी दूंगा। दोस्तों, इस घाट में पहले क्या था, अभी तो 4 लाइन बन गया। पहले इस घाट में गाड़ी रॉन्ग साइड से चलता था, इतना जबरदस्त चढ़ाई था और डाउनिंग था। अभी तो सीधी तरह चलता है, जैसे राइट साइड अब चला जाता है। पहले इसमें क्या है, कभी लोग लेफ्ट साइड में चलते हैं, अपने यहाँ का नियम है, जाने वाले लेफ्ट साइड, आने वाले राइट साइड, उसमें उसका उल्टा होता था। आपको दिखाता हूँ, आप देखिए एक बार। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है प्लासनेर घाट, एमपी और महाराष्ट्र पे ये जगह पड़ता है, इंदौर मुंबई रोड में। दोस्तों, ये घाट कभी बहुत डेंजर हुआ करता था, उस टाइम सिंगल रोड था। दोस्तों, वर्तमान में इसमें 4 लेन बना दिया गया और आसान कर दिया गया इस घाट का रास्ता, लेकिन लोग अभी भी लापरवाही से इसमें चलते हैं और दुर्घटना के शिकार होते हैं। सबसे पहले तो वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी दोस्तों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, दोस्तों आप कोई भी घाट हो, कोई भी रास्ता हो, कोई भी जगह हो, दोस्तों आप आराम से चलें, सोच सूझ बूझ समझ कर चलें, जल्दबाजी बिल्कुल न करें, क्योंकि दोस्तों समय कीमती है लेकिन जीवन अमूल्य है। मेरा कहने का मतलब, दोस्तों समय मूल्यवान है परंतु जीवन अमूल्य है। तो ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दोस्तों सावधानी से चलें, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था इस घाट के बारे में, उस टाइम दोस्तों सिंगल रास्ते हुआ करते थे, और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, जाने वाली लेफ्ट साइड से जा रही, आने वाली राइट साइड से, तो इस घाट में इसका उल्टा था। दोस्तों, जो गाड़ी जा रही वो राइट साइड से चढ़ती थी और जो उतरने वाली गाड़ी थी वो लेफ्ट साइड से उतरती थी। ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था कि इस घाट में जो है चढ़ाई बहुत जबरदस्त थी, रॉन्ग साइड से गाड़ी चढ़ जाते थे लेकिन राइट साइड से नहीं चढ़ती थी। मेरा कहने का मतलब, उल्टा साइड चलने पर चढ़ती थी। उसका रीजन था दोस्तों कि इस घाट में टेपर था रास्ता, और अभी सही कर दिया गया दोस्तों। तो देखिए किस तरह है, और नज़ारे भी देखो कितने खूबसूरत दिख रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छा दिख रहा है। देखो, पहाड़ों के बीचों बीच से रास्ता है और बादल कितने बढ़िया, कितना घनेरे से बादल दिख रहे हैं, मस्त मौसम दिख रहा। तो मेरा यही सब कहना था दोस्तों। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट जरूर करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों एक बात और है, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे दोस्तों हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। दोस्तों तो आप लोग देखिए दोस्तों इस घाट का, और हमने जो बातें कही दोस्तों उस पे आप एक बार विचार जरूर करें, जीवन अमूल्य है दोस्तों, इसलिए रोड पर बचे और बचाएं। तो दोस्तों वीडियो आप लोग देखिए,
चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट करें, और मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में। आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।